मिशन नगरोदय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण। सिरोंज नगर के नवीन बस स्टैंड पर मिशन नगरोदय कार्यक्रम में शहरवासियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने भी उपस्थित होकर मुख्यमंत्री का भाषण और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और भाजपा इसी मूल मंत्र पर काम कर रही। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों के हित के जो कार्य और योजनाएं बंद हो गई थी, उन्हें भाजपा सरकार द्वारा पुनः जनता के हित में प्रारंभ कराया गया। उन्होंने कहा, वर्तमान में देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए करोड़ों के विकास कार्य हमारे शहर में हो रहे। क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में लगभग 22.5 करोड़ की राशि का वितरण सीधे हितग्राहियों के खातों में किया, जिनमें 21.5 करोड़ केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर के वार्ड क्रमांक 15 से 21 तक के पात्र हितग्राहियों को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएंगे। इस अवसर पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा लगभग 2.25 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। कार्तिक घाट शिव मंदिर वार्ड क्रमांक 21 तक सीसी सड़क व व्यू पाइप पुलिया निर्माण, जिसकी लागत लगभग 58 लाख रुपए है। मुझे ज्यादा सुन रहा है भाभी, मैं पूछ रहा हूँ सबका साथ मिलेगा? तो सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। ये संकल्प लेने के लिए फिर उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, अपना प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश की परिवार सहायता स्वीकृति पत्र भेंट किए। इसके बाद पेंशन योजना के अंतर्गत एक बार हाथ लाभ दिया जाएगा। ये तो ले जाएंगे खुदाई। अरे नीचे जाओ, लो भाई ऐसे घूम। अभी माननीय विधायक जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। उस सीसी रोड निर्माण कार्य के भूमि पूजन माननीय विधायक जी के द्वारा किया रही है। तो भूलवाए क्यों नहीं थे? तो नहीं है तो बाढ़ लेकर दिलवाओ, वहां से बाढ़ क्रमांक बोल दो, फला 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 और बुलाते जाओ। और सभी से निवेदन है, जितने 800 से ऊपर 862 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, कोई भी नगर पालिका के कर्मचारी को, कोई भी पार्षद को, कोई भी जनता के नेता को, कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता को एक ढेरा पैसा मत देना। कोई रिश्वत इतना नहीं होगी, सीधे खाते में पैसे आएंगे और 862 को सबको प्रमाण पत्र तो मिलेंगे। 862 वार्ड क्रमांक 15 से लेके वार्ड क्रमांक 21 तक के जो वार्डों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने शेष रह गए थे, 862 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिले में 5 विधानसभा और 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक खर्च आपके द्वारा किया गया, जो 4 विधायक हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं भैया, सब अपने अपने दृष्टिकोण से आ रहे, समय सीमा की बात की है, 21 मार्च तक प्रस्ताव जाते हैं, सब विधायक अपने ढंग से चिंता करते हैं, मैं किसी पर कोई व्यक्ति करते आदि का क्या कार्य योजना रखी है? हमने जो रोड मैप जारी किया है उसके अनुसार हम भविष्य में काम करेंगे, अधोसंरचना के काम करेंगे, सीवेज बनाने का काम करेंगे, नए पार्क बनाएंगे, नए खेल मैदान बनाएंगे, चौराहों का सौंदर्यीकरण करेंगे, सड़कें जिनकी खराब हो जाती है उनका पुनर्निर्माण करेंगे, आवश्यक मूलभूत हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रक इत्यादि अलग से खड़े हो सके, और जो हमारे रोड मैप में हमने बिंदु दिए उनके अनुसार काम करेंगे। जिले के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और जन सहयोग से, और जब हमें दूसरी तहसीलें जो हमारे जिले में सम्मिलित होना चाह रही हैं वो भी सहमति देंगी, हम उसे और पुरजोर से ढंग से उठाएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदेशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।